तो मैंने देखा है कि जिसके पास एक्टिवा है, ये एक्टिवा की स्कूटर या स्कूटी जिसे कहा जाता है, ये है उसका जैसे जैसे वो सर्विस करवाता जाता है, दिनों दिन उस स्कूटी और स्कूटर की माइलेज कम होती जाती है। जितनी बार सर्विस करवाएगा उसकी माइलेज कम हो जाएगी, उसकी स्मूथनेस कम हो जाएगी, उसकी पिकअप कम हो जाएगी और इंजन में अलग अलग सी वाइब्रेशन और आवाज़ें आने लगेगी। तो इसका कारण क्या होता है? और हम बार बार उस कारण को ढूंढने के लिए हर बार मैकेनिक के पास सर्विस करवाते हैं और वही कारण बार बार बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कारण है जिस कारण से आप सही तरह से उसकी माइलेज, उसकी पिकअप, उस इंजन की स्मूथनेस को बढ़ा नहीं सकते। बहुत इस एक्टिवा के अंदर 800 से लेकर 700 ml ही इंजन ऑयल आता है और इसके अलावा गियर ऑयल अलग होता है, पर मैकेनिक गियर ऑयल इसमें नहीं डालते हैं। कुछ HP का इंजन ऑयल होता है वो इसके अंदर डालते हैं, जिससे कि इसके टाइम टू टाइम आने पर इसका जो इंजन है वो ख़राब हो जाता है, इसके गियर बॉक्स जो होते हैं उनमें साउंड आने लगता है, एक सीसी की आवाज़ लगती है और जल्द ही ये एक्टिवा जो है एक पिकअप के मामले में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँ इसके लिए, देखो ये आपके सामने एक कैस्ट्रोल का मैं एक इंजन ऑयल लाया हूँ। दोस्तों ये जो इंजन ऑयल आपको दिख रहा है ये स्पेशल स्कूटर के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है ये गियर बॉक्स के लिए होता है और ये जो है इंजन के लिए होता है। ये दोनों ही अलग मात्रा होती है और दिखाऊँ आपको किस तरह से गियर के अंदर ऑयल डाला जाता है और किस तरह से इंजन ऑयल के अंदर ये ऑयल डाला जाता है। 800 से लेकर 700 ml इसकी मात्रा होती है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर स्कूटी के अंदर दो तरह के इंजन ऑयल डलते हैं, एक होता है गियर ऑयल इंजन और दूसरा होता है इंजन ऑयल नॉर्मल जो कि हर बाइक में डलता है। दोस्तों गियर ऑयल इंजन जो होता है उसके लिए ये वाले दो बोल्ट होते हैं, ये तो ऊपर आपका होता है और ये डाउन का होता है। तो दोस्तों ये तो है गियर ऑयल, जो कि आपने ये वाला इंजन ऑयल जो है ये वाला आपने कैस्ट्रोल दिखा, ये वाला स्कूटर का जो गियर ऑयल है 80W90 ये डालना है इसके अंदर। और दोस्तों इसके अलावा इस तरफ स्कूटी के अगर दूसरी तरफ जाओगे आप तो वहाँ आपको मिलेगा यहाँ ये 700 ml, जहाँ आपको 800 ml लिखा होता है ये वाला आपको मिलेगा, यहाँ डलता है ये वाला इंजन ऑयल नॉर्मल इंजन ऑयल। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से गियर ऑयल को डाला जाता है और किस तरह से नॉर्मल इंजन ऑयल को डाला जाता है। तो बने रहे आप मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जब तक मैं इसका बोल्ट खोलूँ तब तक मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए 12 नंबर गोटी या फिर 12 नंबर पाने से भी आप खोल सकते हैं बड़ी इजी तरह से। दोस्तों जितने भी स्कूटर होते हैं, एक्टिवा, जुपिटर, पे प्लस, ड्यूरो, ऐसी जो भी स्कूटियां होती हैं उनके अंदर हमेशा के लिए आप याद रखें कि उसमें दो तरह के इंजन ऑयल डलेंगे, जिसे एक गियर ऑयल कहा जाता है, एक नॉर्मल इंजन ऑयल कहा जाता है। जो मैंने ये बोल्ट खोला नीचे का दोस्तों, ये जो है ये इंजन ऑयल है, ये गियर ऑयल नहीं है। किसी मैकेनिक ने ऑलरेडी इसके अंदर गियर ऑयल ना डालकर इंजन ऑयल डाल रखा था, जिस कारण से इस स्कूटी के अंदर कुछ साइंस है कि आवाज़ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो रही थी। दोस्तों क्या होता है कि इंजन ऑयल की कैपेसिटी और गियर ऑयल कैपेसिटी जो होता है उसका वर्क होता है वो अलग होता है। जिस तरह की एक शॉकर ऑयल जो होता है उसे शॉकर में डाला जाता है ताकि वो शॉकर रिफिल करने के बाद शॉकर सही तरह चले, और ब्रेक ऑयल होता है जैसे ब्रेक वगैरह के लिए डिस्क ब्रेक को भी यूज़ किया जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बाइक, हर प्रोडक्ट, हर पार्ट्स के लिए जो कंपनी रिक्वायरमेंट करती है वो स्पेशल ऑयल उसी में यूज़ करना चाहिए। शॉकर ऑयल होता है, इसके अलावा कई आपको बताऊँ ये जो कूलिंग ऑयल होते हैं ये भी होते हैं कूल करने के लिए। कुछ ऐसी बाइकें होती है जिनमें रेडिएटर लगा होता है कूल करने के लिए, उन्हें भी ऑयल लगता है। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के ऑयल आप अपनी बाइक या स्कूटी में ना डालें, जो कंपनी रिक्वायरमेंट किया है कि आपके स्कूटी के लिए बेटर होता है, आपने वही गियर ऑयल ही चैम्बर में, जहाँ गियर बॉक्स का चैम्बर है वहाँ गियर ऑयल ही डालना, आप ये हमेशा याद रखें। दूसरा, अब मैंने इसके ऐसे ये जो है इंजन ऑयल को निकाल दिया है, ये गियर ऑयल नहीं है। अब दोस्तों मैं इसमें मैंने जो गियर बॉक्स के अंदर अब गियर ऑयल डालना है, अब गियर बॉक्स को डालने के लिए दोस्तों मैं इस स्कूटी को जो है उल्टा कर लूँगा। दोस्तों मेरे उल्टा का मतलब ये कि इसे नीचे गिरा लूँगा, क्यों? नीचे गिराने के बाद में जो ऊपर का बोल्ट जो मैं खोलूँगा उसमें गियर ऑयल डालना बहुत इजी होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अपने घर के अंदर इस तरह का गियर ऑयल अपने स्कूटी में डालना है तो आप बहुत इजी और आसान तरीके से डाल सकते हैं, कोई हार्ड इसमें कोई वर्क नहीं होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अब जैसे दोस्तों नीचे वाला मैंने बोल्ट कस दिया था जहाँ से कि मैंने गियर ऑयल को निकाला था, अब इसके ऊपर ही एक 12 नंबर का बोल्ट है, मैं इसे लूज़ कर लेता हूँ, इसे खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद दोस्तों जो कैस्ट्रोल का कॉम्बो पैक है जिसमें इंजन ऑयल भी है और गियर ऑयल है, उसमें से जो कीप वाला गियर ऑयल है उसको मैं ले लेता हूं। दोस्तों उसको लेने के बाद में इस
जो मैंने बोल्ट खोला है मैंने वहाँ इसको डालना है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ, जो ये गियर ऑयल है ये काफ़ी अच्छा, ये कॉम्बो पैक में दोस्तों के सामने खोल रहा हूँ, आप जैसे देख रहे हैं। और ये जो कीप आपको दिख रही है, जिसमें जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कीप इसी में आपने इस होल में डालना है। ये 120 ml का इसकी मात्रा होती है, और आप जैसे देखते हैं कि चैम्बर भी 120 ml लिखा हुआ है, यानी ये इसी के लिए स्पेशल बना है। अगर आप लाइफ के अंदर फ्यूचर के अंदर सर्विस करवाते हैं अपनी स्कूटी की, तो आप ये कॉम्बो पैक लेकर यही इंजन ऑयल अपने स्कूटी में डालें। इससे आपकी स्कूटी जो है उसकी पिकअप, माइलेज, इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें जो यूज़ ये वर्क करता है गियर ऑयल चैम्बर में जाकर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपकी पैसा पहचान करने के लिए कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट, तो आप इसका भी ये लोगो दे सकते हैं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप पूरी इसकी रीडिंग कर सकते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो कि बेनिफिट ये गियर ऑयल में देता है। दोस्तों अब डालेंगे हम इस स्कूटी में इंजन ऑयल, की दो दूसरे चैम्बर के अंदर होता है, दूसरी तरफ होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो ये जो बड़ा इजी और आसान तरीका होता है, जैसे कि बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अक्सर मैकेनिक के पास जाके देख चुके हैं किस तरह से वो इंजन ऑयल हमारी स्कूटी के चैम्बर में डालता है। तो वैसे आपने बस इसी नॉर्मल तरीके से इस इंजन ऑयल को अपने चैम्बर में डाल देना है। पर याद रखें कि पहले का जो ऑयल है उसे निकाल लें बिल्कुल, वो चैम्बर में ना हो, यानी चैम्बर को खाली कर लें। उसके बाद भी नया ऑयल जो है कैस्ट्रोल का, जो स्कूटर के लिए स्पेशल बना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, जब भी आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिवा की अच्छी माइलेज हो और उसकी पिकअप भी अच्छी हो और उसकी जो पूरी इंजन की स्मूथनेस अच्छी हो, तो आपने सिर्फ इस तरीके का इंजन ऑयल और स्कूटर का गियर और बॉक्स का इंजन ऑयल डालना है। इसके अलावा कोई और मैकेनिक ना डलवाएं, ताकि आपकी स्कूटी खराब ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए इस वीडियो का।